नमस्कार। आज हम कोई भी यदि हम सर्किट बनाते हैं उसमें कैपेसिटर का वैल्यू और उसका वोल्टेज कितना का लगाएंगे उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितना वोल्टेज का लगाएंगे। तो मान लीजिए एक हमारे पास सर्किट है, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा बारह वोल्ट और 2 एम्पेयर इससे निकल रहा है। बारह वोल्ट और 2 एम्पेयर निकल रहा है और ये एक डायोड में रेक्टिफायर होने के लिए जाता है। यहाँ से आपका प्लस निकलेगा और यहाँ से आपका माइनस निकलेगा। तो सबसे पहले हम कितना वोल्टेज के यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक। ये कोई लोड है तो हम सबसे पहले मान लीजिए D1 है, ये D2, ये D3 और D4 है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे ये यहाँ प्लस आ गया हाफ साइकिल, तो आपका सबसे पहले ये हाफ डायड एक दो डायड एक बार में चलेगा, D2 ए और D3 ए। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप D2 एंड D3 से, मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप 0.8 होता है तो दो डायड में आपका 1.6 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो आउटपुट कितना होगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट का है तो 12 1.6 बता देंगे, दो डायट से घट के जाएगा तो हमारा 10.4 वोल्ट आएगा। यदि हम इसमें कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो पीक वोल्टेज कितना आएगा, तो इसमें 10.4 वोल्ट हुआ, इसका पीक वोल्टेज कितना हो गया, पीक वोल्ट के लिए आपके 10.4 जितना नेट वोल्ट है उसमें 1.41 वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अथवा √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा लगभग 14.97
इसका मतलब नियरली 15 वोल्ट हुआ ये। इसका मतलब आप 15 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 वोल्ट से ज़्यादा के लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कितना लग के लगाएंगे, तो लगभग 20-30% एबव 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट का लगभग 20 अथवा 30% ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा लगभग 18 वोल्ट से लेके 19.5 वोल्ट तक आपका कैपेसिटर लगेगा। इससे ऊपर लगाइए, लेकिन लगभग इतना तक का आपका लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका कैपेसिटर का वोल्टेज कितना लगाएंगे उसके। अब हम इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना लगाएंगे, तो उसके लिए I इंटू टी ये फार्मूला से काम करेगा। तो I कितना है ट्रांसफार्मर का, है हमारा 12 वोल्ट 2 एम्पेयर, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का है। तो ये यही 2 एम्पेयर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 एम्पेयर। और टाइम होगा, टाइम के लिए आपको कैसे पता चलेगा, जैसे में हम लेंगे नॉर्मली हमारे देश में चलता है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब हुआ 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज़ काम करेगा ये। तो 1 हर्ज के लिए कितना सेकेंड लगेगा, 1/50। तो 1/50 बोले तो 0.01 1 हर्ज घूमने के लिए, इतना घूमने के लिए 1 हर्ज, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने के लिए 0.01 होगा। तो एक कैपेसिटर क्या करता है, तो आपका डीसी वोल्ट में चेंज करता है। तो ए नेगेटिव जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका इधर पॉजिटिव। और तो ये हाफ हो गया, तो हाफ के लिए आपका कितना हो गया 0.01 का, और उससे छोटा कितना हो गया, ये हो गया 0.02। और ये 1 हर्ज का इतना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 0.02 है, लेकिन डीसी में जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर। तो ये 0.02 का हाफ हो गया 0.01। वहीं यहाँ पे टी का मतलब हो गया 0.01, और वी का मतलब हो गया आपका वोल्टेज डिफरेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए आपको ये देखिए हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, ये 15, ए 15, और ए शुरू में पीक वोल्टेज आने से पहले कितना था 10.4, तो 15 में से 10.4 घटा देंगे तो हो जाएगा 4.6। तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 0.00434 माइक्रो फैराड, सिंपल फैराड होगा, माइक्रो नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ फैराड हो जाएगा। और इसको हम माइक्रो फैराड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4347 माइक्रो फैराड। इतना का हम मिलेगा नहीं, लेकिन 4000
4000 माइक्रो फैराड का मिलेगा। तो इतना कैपेसिटर 4000 माइक्रो फैराड और वोल्टेज हो गया आपका 1819 वोल्ट तक के आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। ऐसे हम कैपेसिटर के वैल्यू हम चेक कर सक लगा सकते हैं, इसमें जिसमें कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और एम्पियर दिया होगा। तो यदि इसमें नहीं दिया है और इसके अगारी हम ये 7805 लगाएंगे, 7805, तो ये दूसरा फार्मूला सेम ही होगा, इन तरीका फर्क हो जाएगा क्या होगा, तो हम उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल कह देते हैं। सिंपली वैसा ही होगा, यदि हम एक ट्रांसफार्मर लगाएं और इसका हमको मालूम नहीं है, और ये एक टायर लगाएं और यहाँ पर हम एक 7805 लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ये 7805 जो आईसी होता है ये ऑपरेट करता है 5 से लेके 25 वोल्ट तक, और हमको यहाँ पे आउटपुट में चाहिए 1 एम्पेयर। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज ये 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट को हम डिफरेंस लेके हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 1 एम्पेयर है तो सी इक्वल टू IT/V था, तो I में ये हम 1 एम्पेयर रखेंगे, टाइम हम 0.01 ही रखेंगे, और वोल्टेज डिफरेंस जैसे 5 है तो यहाँ पर हमारा 10.4 आया था, और इसमें से हम 5 घटा के ये 4.5 हुआ। S का वैल्यू रख के हम कैपेसिटेंस के वैल्यू निकालेंगे। यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज एम्पेयर नहीं दिया है और हमको आउटपुट में कितना चाहिए उसको भी बेसिस लेके हम इसमें बनाते हैं। तो ऐसे हम कैपेसिटर के वैल्यू हम पता लगाते हैं कितना वैल्यू का और कितना वोल्टेज का लगाना चाहिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद।